गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट, सब्सिडरी और एक्सिलरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पिछली क्लास में हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, मेन फंक्शंस, और आज हम सब्सिडरी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। वो प्रमुख फंक्शन थे, वो मुख्य फंक्शन थे, मुख्य कार्य थे। आज हम सहायक कार्यों के बारे में बात करेंगे, प्रबंध के वो कार्य जो प्रबंध को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, दैट इज सब्सिडरी और एक्सिलरी फंक्शंस। सबसे पहले बात करते हैं डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सिलरी सब्सिडरी फंक्शंस इज डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग? अगर हम बात करें डिसीजन की, तो डिसीजन को बोलते हैं निर्णयन। देखिए, एक प्रबंधक जो कुछ भी करता है कदम कदम पर, उस सभी में डिसीजन समाहित होता है। डिसीजन, जहां पर भी दो या दो से अधिक तत्व होंगे हमारे सामने, वहां उन दोनों में से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जहां पर भी किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा तो वहां पर हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। और प्रबंधक को कदम कदम पर क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा मेरे लिए अच्छा है कौन सा मेरे लिए बुरा है, यह सोच करके, और हम डिसीजन मेकिंग जो है, यह एक प्रबंधक जो है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को अपनाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स, सेलेक्शंस बिटवीन वेरियस अल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग बेस्ट वे फॉर डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड रिजल्ट के लिए हमें कुछ सेलेक्टिंग मैटर्स को अपनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे मैटर्स जो है जहाँ पर भी दो से ज़्यादा अगर हमारे पास में अल्टरनेटिव्स अगर होंगे तो उन अल्टरनेटिव्स में से हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और दैट इज सेलेक्शन। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं स्टाफिंग की बात कर रहे हैं। सेकंड हमारा जो की जो सब्सिडरी फंक्शन है वो स्टाफिंग। देखिए, स्टाफिंग क्या है? तो स्टाफिंग वर्ड जो बना है वो बना है स्टाफ से। किसी भी फर्म के अंदर काम करने के लिए हमें स्टाफ की आवश्यकता होती है, हमें कर्मचारियों की, सबॉर्डिनेट्स की, एम्प्लॉयज की नीड होती है, और एम्प्लॉयज की नीड को फुलफिल करने के लिए, कर्मचारियों की नीड को फुलफिल करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया को हम स्टाफिंग कहते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों की जाती है, भर्ती क्यों की जाती है? क्योंकि अगर एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? ठीक है, क्या अकेला व्यक्ति सब कुछ कर सकता है? नहीं, अकेला मैनेजर कुछ नहीं कर सकता, अकेला डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके साथ में जो अदर जो व्यक्ति काम करते हैं उनको लगाने की प्रोसेस स्टाफिंग कहलाती है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में कि ए प्रोसेस, स्टाफिंग इज ए प्रोसेस टू फुलफिल द ह्यूमन रिसोर्सेज नीड इन ए फर्म। किसी भी फर्म के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज की जो नीड होती है उसको फुलफिल करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम स्टाफिंग है, उस प्रोसेस का नाम नियुक्तिकरण है। किसी भी संस्था में नए लोगों को लगाना, खाली पदों को भरना, जो वैकेंट पोस्ट है उन वैकेंट पोस्टों को फुलफिल करने की जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर भी और प्रोसेस इंक्लूड है, जस्ट एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग जो हम करते हैं, नियुक्तिकरण जो हम करते हैं, उस नियुक्तिकरण में सबसे पहला काम होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, सबसे पहले भर्ती की जाती है। और आपको मैं बता दूं कि भर्ती जो है एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। भर्ती क्या है? तो भर्ती में उन सभी लोगों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं जो उस पद के लायक, जो रिक्त पद के लायक योग्यता रखते हैं। भर्ती में उन सभी लोगों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो संस्था में रिक्त पद को फुलफिल करने के लिए योग्यता रखते हैं। ठीक है, तो इसमें अनेकों लोग आते हैं, जो भी व्यक्ति योग्यता रखता है वो अपना आवेदन करता है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है। भर्ती रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ द स्टाफिंग। भर्ती के बाद में है सिलेक्शन। ध्यान रखना, सिलेक्शन जो है एक नेगेटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस क्यों है? सिलेक्शन में क्या होता है, अब रिक्रूटमेंट में अनेक लोगों ने अनेक एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशंस दी हैं, संस्था में जो वैकेंट पोस्ट है उस वैकेंट पोस्ट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास में अनेक एप्लीकेशंस
आ चुकी हैं, उन एप्लीकेशंस में से हमें सेलेक्ट करना है, कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है, कुछ एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट में अनेक लोगों में से कुछ लोगों को चुनना होगा, सेलेक्ट करना होगा। और ये जो प्रोसेस है ये नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनेक लोगों में से केवल कुछ लोगों को ही सेलेक्ट किया जाता है, और अदर जो पार्टिसिपेंट है या फिर अदर जो एप्लीकेंट है उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। उसके बाद में आती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? तो फर्स्ट हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट, सेकंड पढ़ा सिलेक्शन, थर्ड पढ़ रहे हैं ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग का मतलब है कि जिन व्यक्तियों को हमने सेलेक्ट किया है, जिनको हमें पोस्ट पर लगाना है, वैकेंट पोस्ट को फुलफिल करना है, हमने सेलेक्ट तो कर लिया, बट वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, बाहर के वातावरण से, संस्था के वातावरण में आ रहे हैं। दे हैव सफिशियंट नॉलेज एंड दे हैव बेटर क्वालिफिकेशन, लेकिन फिर भी हमें उनको संस्था के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालना है, तो उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी। उन्हें ये बताना होगा कि इस संस्था के रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, इस संस्था में काम कैसे करना है, क्या आपका पोस्ट है और किस पोस्ट, आपकी जो पोस्ट है उस पर किस प्रकार आपको काम करना है। तो उनको काम करना सिखाया जाता है, तो काम करना जो सिखाया जाता है उस काम करने की, सिखाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेनिंग। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हम बात किस में कर रहे थे? ये हम बात कर रहे थे स्टाफिंग के अंदर बात कर रहे थे कि स्टाफिंग सेकेंड एक्सिलरी या सब्सिडरी वर्क है मैनेजमेंट का। उसके बाद तीसरा जो सब्सिडरी वर्क है वो है इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? तो देखिए, चेंजिंग इज द फर्स्ट रूल ऑफ द नेचर। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार में होते रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बिना परिवर्तन की प्रकृति आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है। मैनेजमेंट हो या बिजनेस हो या ह्यूमन बीइंग हो या नेचर हो, एवरीवेयर इज चेंजेस एप्लीकेबल। सभी जगह पे परिवर्तन लागू होता है, और परिवर्तन जहां लागू होता है वहां इनोवेशन भी लागू होता है। समथिंग शुड बी न्यू इन योर वर्क, इन योर एक्टिविटी, इन योर प्रोग्रेस, इन योर इफ यू वांट टू सक्सेस। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपके पास कुछ ना कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ ना कुछ इनोवेटिव रहेगा, कुछ ना कुछ न्यू रहेगा, तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो इनोवेशन, डेवलपिंग न्यू आइडियाज। मार्केट में न्यू को पसंद करते हैं, ओल्ड को पसंद नहीं करते, तो हम डेवलपिंग न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट। आप मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी। न्यू क्वालिटीज, नई क्वालिटी लॉन्च करेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी। न्यू मेथड्स, आप कोई नया मेथड लागू करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये सभी क्या है? इनोवेशन। जियो का एग्जांपल हमारे सामने है। पहले 2G 3G मोबाइल चलते थे, जियो कंपनी लेके आया 4G मोबाइल। ठीक है। ये 4G मोबाइल क्या था? एक इनोवेशन था, और इस इनोवेशन ने ऐसी कंडीशन की कि मार्केट में सभी मोबाइल्स को, सभी कंपनियों को एक साइड में कर दिया, और जियो अपना जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अप ले जा चुका है। ठीक है। तो उसका रीजन क्या है? आज जियो कंपनी, रिलायंस कंपनी इतना डेवलप्ड हुई, उसका रीजन क्या है? इनोवेशन। और भी कोई कंपनी जो न्यू मेथड्स या इनोवेटिव आइडियाज को लेकर के वर्क करती है, इनोवेटिव वेज पे काम करती है, वो नो डाउट श्योर टू सक्सेस। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में हमने जो मेन फंक्शन थे उनके अंदर भी, प्राइमरी फंक्शन थे उनके अंदर भी बात की थी। कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है। हम यहाँ पर इसको एक अलग वे में भी पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर ये सब्सिडरी का भी पार्ट है। तो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन में क्या है? ट्रांसफर ऑफ फैक्ट थ्रू इमोशंस एंड इंफॉर्मेशंस। कम्युनिकेशन में आप अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के साथ में रखते हैं। जब आप अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखते हैं तो वहां पर दो चीज जरूरी है। फर्स्ट इज इमोशन एंड सेकेंड इज इंफॉर्मेशन। इमोशन इज सो नेसेसरी। इमोशन इज सो नेसेसरी। जिस तरह के भाव आपके व्यक्त होंगे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। हंसने का, रोने का, गाने का, हर चीज का एक भाव होता है, एक इमोशन होता है। ठीक है। और ये इमोशन जो है ये कम्युनिकेट करता है। यहां तक कि इमोशन की अगर बात की जाए तो छोटा बच्चा जो होता है
ठीक है, छोटा बच्चा बोलता नहीं है लेकिन वो रो करके अपने इमोशंस प्रकट करता है, ठीक है। जो बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स की आवाज़ अगर आपने कभी सुनी हो तो बर्ड्स की आवाज़ के अंदर भी इमोशंस आपको देखने को कई बार मिलेंगे। जब कोई शिकारी पक्षी उनके सामने आता है तो उनकी एक आवाज़ जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी आवाज़ डिफरेंट होती है। तो इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में क्या है, एक तो इमोशंस और एक इन्फॉर्मेशन। आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को जब सुनना चाहेगा, जब आप उसको कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अनुसार दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन पीपल्स, कम्युनिकेशन क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ फैक्ट थ्रू इमोशंस एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस। एक लाइन बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नॉट ओनली अचीव गोल्स बट आल्सो रिमूव इंडिविजुअल डिफरेंस। कम्युनिकेशन तो हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ में एक वर्ड जुड़ा हुआ है इफेक्टिव। कम्युनिकेशन के साथ में एक वर्ड जुड़ा हुआ है इफेक्टिव। ये कम्युनिकेशन के साथ जो इफेक्टिव वर्ड है ना, इसका बड़ा रोल है। कम्युनिकेशन में एक एक वर्ड का महत्व होता है कि आप जो बात कर रहे हैं, आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं, आप जो शब्दों का चयन कर रहे हैं, वो शब्द इफेक्टिव होना चाहिए। जब आप अपने मामा जी को मामा जी कहेंगे तो एक अलग इमोशन प्रकट होता है, मामा कहेंगे तो अलग इमोशन प्रकट होता है, ठीक है, और जब मम्मी का भाई कहेंगे तो अलग इमोशन होते हैं, और बाप का साला कहेंगे तो अलग इमोशन प्रकट होता है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नॉट ओनली अचीव गोल्स। अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो ये केवल अचीव गोल्स ही नहीं करेगा, बट ऑल्सो रिमूव इंडिविजुअल डिफरेंस, जो इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाते हैं, मतभेद जो हो जाते हैं, उनको भी दूर करता है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन, अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका, अपनी बात को लोगों के समक्ष रखने का तरीका, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। मैनेजर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक मैनेजर होता है, एक किसी भी फर्म का एक मैनेजर होता है, वो फर्म का मैनेजर उस फर्म को रिप्रेजेंट करता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, बाहर कहीं भी जाता है तो वो रिप्रेजेंट करता है, वो इंडिया, उसको लोग मोदी नहीं कहते, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बात हम ये कर रहे हैं कि मैनेजर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन, सो ही शुड टच विथ एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंट विथ गुड रिलेशनशिप्स। हमें जो बाहर के जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, उन एलिमेंट्स के साथ में हमें गुड रिलेशनशिप के साथ में रहना चाहिए, उनके साथ में गुड रिलेशनशिप के साथ में रिप्रेजेंट होना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए। क्योंकि एक मैनेजर जितना अच्छा गुड रिलेशनशिप बना के चलेगा मार्केट में, वह फर्म उतनी ही आगे बढ़ती है। तो आज हमने बात की टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट, सब्सिडरी और एक्सिलरी फंक्शंस, जिन्हें हम कहते हैं सहायक कार्य, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।